दोस्तों, ये देखिए एडेनियम सॉइल है, ये है नीम की पुरानी सब पत्तियाँ, और ये है गोबर की पुरानी खाद, और ये है फंगीसाइड पाउडर, ये भी फंगीसाइड पाउडर है, ये है कंपोस्ट खाद, ये कंपोस्ट खाद नीम की पत्तियों का खाद है, और ये है आपका नीम की खली, और ये पुरानी सब मिट्टियाँ हैं मेरी जो गमले से निकली थी, और ये नई मिट्टी है, इसमें बालू और मिट्टी सब मिक्स है। अब इन सभी को हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम अपने एडेनियम को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप सब मिला दीजिए, टोटल सब मिला दीजिए, और मिलाने के बाद ये सारा सब मिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए, अब मिक्स हो गया। मिक्स के बाद आप जो अपने गमले में, अब आप ये गमले में, ये देखिए गमले में ये पूरा का पूरा एक हमने कंकर डाल दिया है, इतना। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये मीडिया, ये मीडिया हम डाल रहे हैं, ये देखिए ये मीडिया हम डाल रहे हैं, और मीडिया डालने के बाद हम अपना ये एडेनियम लगाएंगे। देखिए ये एडेनियम वो हम यहाँ पे, देखिए इस तरह से इस ऊंचाई पे ये एडेनियम को हम थर्माकोल के ऊपर अपने एडेनियम को हम रख देंगे, क्योंकि सारी कटिंग वटिंग हुई है इसकी, फंगस वगैरह सब चेक है। अब इस तरह से हम इसको, हम यहाँ पे इसका मीडिया इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से हमारा ये एडेनियम का पौधा गमले में पूरी तरह से लग गया, और इसको अब हम उठा के हम एक जो है साए में रख देंगे, और पानी जो है हम दो दिन बाद डालेंगे। आज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दो दिन बाद डालें। ये गमला जो है मेरा पूरी तरीके से एडेनियम का रिपोर्टिंग हो गई है। ये इस तरह से आप भी अपने यहाँ जो भी गमला है उसको आप तैयार कर लें। आप देखेंगे 2 महीने बाद इसमें सारी ब्रांचें आ जाएंगी, कलियाँ आ जाएंगी, और बहुत सारे जो है फूल आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब।